तो मैं सभी देशभक्तों से कहना चाहता हूँ, भगत सिंह जैसा तैयार हो जाओ, महाराणा प्रताप जैसा तैयार हो जाओ, चंद्रशेखर आजाद जैसे आप तैयार होना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है, क्योंकि दुष्ट शक्तियाँ बहुत ज्यादा लगी हुई है हिंदू को सर्वनाश करने के लिए। और कुछ टाइम में आप सबको पता है कि नहीं कि ये 2024 से पहले पीओ में भी हमारे फिर वापस आने वाला है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले पीओ के वापस लेना है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है हमारा है वो, जैसा अमित शाह जी बोले आप सबको पता है, दूसरे में आता हूँ तो कश्मीर का मुद्दा है तो दूसरे में आता हूँ, क्योंकि कश्मीर में 7 लाख पंडितों को नरसंहार करके आज हमारे पंडितों को वहां से भगाया गया है। अब तुम्हारा भागने का टाइम आ गया, जो 7 लाख पंडितों को भगाया ना आज पूरे भाग रहे हैं, छुप रहे मोदी जी के डर को जगा नहीं मिल रही, छुपे देश के हित की बात करने वाले तो हमारे मिलिट्री वाले कभी गलत नहीं करते, हम मिलिट्री का सम्मान करना है, हम आगे देश के लिए अच्छा कर्म कार्य करना है, हमारे युवा साथियों से कहता हूँ हम सब अच्छे कामों में जुड़ना है, तो सभी नाचते गाते हुए आगे बढ़ते जाइए, कुछ ही देर में हमारा जुलूस भी आ रहा है, तो आप सब आगे बढ़िए, आगे बढ़कर आगे नाचते गाते हुए हमारे भगवान का शरण तक जाना है।